सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। अभी गाइस लास्ट दिन हमने सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट किया था एंड फॉर्चुनेटली गाइस हमें उसी दिन अपना विलेज भी मिल चुका था। तो यार अभी तक तो हमारा सर्वाइवल सीरीज काफी अच्छा चल रहा है एंड यार लास्ट वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट भी दिखाया। अभी यार उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से सर्वाइवल सीरीज के लिए कुछ सजेशंस पूछे थे क्योंकि गाइस ये मेरा फर्स्ट एवर सर्वाइवल सीरीज है एंड यार आप में से काफी सारे लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर काफी अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे। सो यार आपके सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद आज के गेम प्ले के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। सो होपफुली गाइस आप लोगों को एपिसोड 2 भी पसंद आएगा एंड डेफिनेटली गाइस इसमें भी यार अगर आप लोगों को कुछ भी गलती लगे तो मुझे कमेंट में बताना एंड यार और भी सजेशंस दो क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी गेम प्ले में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने लास्ट दिन थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनिंग किया था तो यहाँ पे हमें आयरन कोल एंड जो हमारा नया कॉपर आया है वो मिल चुका था। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आयरन मिले थे तो मैंने यहाँ पे अपना एक चेस्ट प्लेट बना लिया है एंड एक आयरन सोर्ड को बना लिया है। अभी यार आज के एपिसोड के अंदर हम लोग पूरी तरह से माइनिंग करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा डायमंड को ढूंढना। यहाँ पे मैंने काफी सारे पिकेक्स बना लिए हैं। वैसे गाइस इस 1.17 अपडेट के अंदर डायमंड को ढूंढना लिटरली काफी मुश्किल होने वाला है। वैसे भी यार पहले भी डायमंड को ढूंढना मुश्किल था लेकिन यार इस अपडेट के बाद ये चीज और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एंड चलिए गाइस देख लेते हैं हमें आज डायमंड मिल पाता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैं माइनिंग में बस जाने ही वाला था एंड जैसे यार मैंने अपने इन्वेंट्री को चेक किया तो मुझे यार पता चला मैंने तो आयरन पिकेक्स को लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे यार मैंने फिलहाल अपना आयरन पिकेक्स भी बना लिया है। तो चलिए गाइस अभी केव में चलते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट एपिसोड को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे विलेज के पास में 3 केव्स हैं। तीनों ही केव्स काफी बड़े हैं तो फिलहाल गाइस मैं इस वाले केव को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस ये वाला केव भी आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है। इस केव के अंदर गाइस मैं काफी बार खो चुका हूँ एंड गाइस यहाँ पे बाहर निकलना काफी मुश्किल है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे कॉबल स्टोन्स को लगा दिया है ताकि हमें याद रहे कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। तो केव का जो एक साइड है वो यहाँ पे आके खत्म होता है। इस साइड के सारे आयरन्स मैंने लास्ट दिन ही कलेक्ट कर लिए थे तो यहाँ पे गाइस मैं केव के एक दूसरे साइड पे आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी हमें कुछ आयरन्स मिल चुके हैं। वैसे भी गाइस इस 1.17 अपडेट के अंदर अभी आयरन्स को ढूंढना काफी सिंपल हो चुका है। यहाँ पे आप लोग कोई भी केव के अंदर जाओ आप लोगों को काफी ज्यादा आयरन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग फिलहाल देख सकते हो मैं 48 लेवल पे हूँ तो ये बेसिकली एक माउंटेन रीजन है एंड यहाँ पे भी मुझे काफी इजिली आयरन्स मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली गाइस आप लोग किसी भी केव के अंदर जाके आयरन को फाइंड कर सकते हो एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा आयरन मिल जाएगा। अभी यार आयरन ढूंढने के लिए हमें ज्यादा डीप माइन करने की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल गाइस यहाँ पे मैंने केव के अंदर ही अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेस को बना लिया है ताकि गाइस यहाँ पे हमें जो भी आइटम को बनाने की जरूरत पड़े वो हम लोग यहीं पे बना सके। तो यहाँ पे हम लोग केव को एक्सप्लोर करने जाने वाले थे एंड पता नहीं कहाँ से एक स्केलेटन आ चुका है तो इसको तो हमने यहाँ पे निपटा दिया है लेकिन गाइस फिलहाल हमारे पास हेलमेट नहीं है तो डेफिनेटली यार स्केलेटन देख के तो अभी काफी ज्यादा डर लगता है। अभी यार सबसे पहले तो हमें काफी सारे आयरन को ढूंढना पड़ेगा एंड अपना जो पूरा आयरन आर्मर सेटअप है उसको बनाना पड़ेगा ताकि गाइस मॉब से हम लोग थोड़ा सेफ रहे। जब तक गाइस हमारे पास पूरा आर्मर नहीं है तब तक यार हम लोग डीप माइन भी नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले तो गाइस हमें इसको बनाना पड़ेगा। अभी गाइस केव की इस साइड में फिर हमें ज्यादा कुछ चीजें तो मिल नहीं रही है तो यहाँ पे हमें कुछ कॉपर एंड आयरन मिल चुका है तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे यार यहाँ पे मैं काफी ज्यादा कॉपर को तो कलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन फिलहाल गाइस इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। इसका जो मेन यूज है वो टेलीस्कोप बनाने में एंड इसी के साथ कुछ और भी चीजें हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन यार इन सारी चीजों को बनाने के लिए तो हमें इतना ज्यादा कॉपर की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी हो गाइस इस अपडेट के अंदर तो यही सारी चीजें हैं। हो सकता है कि 1.17 अपडेट का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें कुछ और भी कॉपर की यूजेस देखने को मिल जाए। तो यहाँ से गाइस हमने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया है एंड कुछ और देर माइनिंग करने के बाद फाइनली गाइस हमारे पास अभी काफी आयरन आ चुके हैं एंड अभी गाइस हम लोग अपना पूरा आर्मर सेटअप बना सकते हैं। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं अपने फर्नेस के पास। यहाँ पे गाइस हमारे पास ऑलमोस्ट 49 आयरन है तो इनकी मदद से तो हम लोग बहुत ही ज्यादा इजिली अपना पूरा आर्मर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रॉ आयरन को आयरन इनगट में कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी यार मैंने यहाँ से हेलमेट बूट एंड जो भी आयरन की चीजें हैं सब कुछ बना लिया है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग तैयार हैं डीप माइनिंग करने के लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि यहीं पे हमें अपना माइनिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो हमें लेवल 12 तक माइन करना है। फिलहाल गाइस आप लोग देख सकते हो हम कुछ लेवल 34 पे हैं तो यहाँ से हमें लेवल 12 तक जाना है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि इस अपडेट के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, मतलब यार इससे पहले तो डायमंड लेवल 12 पे ज्यादा मिलते थे लेकिन यार हो सकता है कि इस अपडेट के अंदर ये चीज भी चेंज हो चुकी हो। तो जो भी हो गाइस इसके बारे में मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो चलिए यार लेवल 12 पे चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें डायमंड मिल पाता है कि नहीं। तो गाइस फाइनली मैंने लेवल 12 तक स्टेयर बना लिया है। अभी गाइस यहाँ पे हमें सिंपली स्ट्रेट माइन करना है एंड जब तक डायमंड नहीं मिलता है तब तक बस करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही टाइम माइन किया है एंड मुझे यहाँ पे रेडस्टोन तो मिल चुका है। तो गाइस इनको कलेक्ट करते हैं एंड अपना माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं काफी देर से माइन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अभी तक तो मुझे गोल्ड या फिर डायमंड कुछ भी मिला नहीं है एंड फाइनली गाइस यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट गोल्ड तो मिल चुका है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो गोल्ड ओरे का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक बदल चुका है। तो फटाफट गाइस इसको
माइन करते हैं। जो भी गाइस फाइनली हमें अपना फर्स्ट गोल्ड तो मिल चुका है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग इस साइड में थोड़ा और माइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिर्फ दो ही गोल्ड थे एंड इसी के साथ कुछ रेडस्टोन भी थे, तो इन सभी को हमने कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं माइनिंग को कंटिन्यू कर ही रहा था एंड यहाँ पे हमें कुछ नया ही ब्लॉक मिल चुका है। तो इस ब्लॉक का नेम है टफ कॉबल स्टोन। अभी मुझे नहीं पता है कि गाइस मैं सही नेम बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो भी हो गाइस यहाँ पे स्टोन को तोड़ने के बाद जो साउंड हो रहा है वो काफी ज्यादा अलग है। बाकी यार इसको तोड़ने में भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो गाइस आगे अगर केव के अंदर पूरा यही स्टोन रहा तो माइनिंग में यार डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल तो गाइस ये ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं एंड खत्म होते गाइस आप लोग सामने देख सकते हो हमें कुछ रेड स्टोन वापस से मिल चुके हैं। तो यार इस 1.17 अपडेट के बाद भी रेड स्टोन तो हमें बहुत ही ज्यादा इजिली मिल जाते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे हमने स्ट्रेट में कुछ ज्यादा ही माइन किया है एंड इतना माइन करने के बाद भी हमें डायमंड तो मिले ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो गोल्ड ब्लॉक्स मिले हैं। एक्जैक्टली गाइस मैंने कितना माइन किया मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लिटरली यार आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा, तो हो सके तो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। यहाँ पे यार मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि हम लोग एक दूसरे साइड को माइन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि इस साइड में हमें कुछ डायमंड देखने को मिल जाएंगे। तो इस साइड में भी यार कुछ टाइम माइनिंग करने के बाद वापस से टफ स्टोन आ चुका है एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो टफ स्टोन के पीछे हमें रेड स्टोन एंड कॉपर भी मिल जाता है। तो यार इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज जो हो रहा है, टफ स्टोन थोड़ा डार्क होने की वजह से लाइट यहाँ पे बहुत ही कम रहती है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा टॉर्चेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे गाइस एक्चुअली मैंने देखा नहीं था एंड ऑलमोस्ट मैं ग्रेवल के नीचे दब के मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे हम लोग किसी तरह से बच चुके हैं। फिर भी गाइस आप लोग सामने देख सकते हो काफी ज्यादा ग्रेवल्स है, तो इस साइड पे तो यार माइनिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा साइड से माइन करते हैं। लेकिन गाइस इतना माइन करने के बाद भी हमें एक भी डायमंड मिला नहीं है। तो डेफिनेटली गाइस ये जो 1.17 का अपडेट है इसके अंदर डायमंड एंड गोल्ड को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन गाइस हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे। आज हम लोग किसी भी हाल पे यहाँ पे डायमंड को ढूंढ के रहेंगे। तो फिलहाल गाइस इस साइड पे तो ग्रेवल्स है नहीं, तो इस साइड पे हम लोग काफी ज्यादा इजीली माइनिंग को कर सकते हैं। अभी गाइस अगर आप लोग भी अपने माइनक्राफ्ट के 1.17 अपडेट के अंदर सर्वाइवल को खेल रहे हो तो मुझे यार कमेंट में डेफिनेटली बताना कि यार आप लोगों को डायमंड को ढूंढने में कितना टाइम लगता है। तो यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने के बावजूद मैं इस साइड पे माइनिंग कर ही रहा था एंड फाइनली गाइस कुछ हजार घंटे माइनिंग करने के बाद जाके हमें ये मिला। सो फाइनली गाइस हमें सर्वाइवल सीरीज का फर्स्ट डायमंड मिल चुका है। अभी गाइस मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एक्जेक्टली कितने डायमंड्स हैं। तो यार कुछ ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक डायमंड होगा, लेकिन मैं गलत था, यहाँ पे दो डायमंड्स हैं। तो गाइस इतना ज्यादा माइनिंग करने के बाद हमें जाके दो डायमंड्स मिले एंड ये दोनों डायमंड मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था कि यहाँ पे मैं 4-5 घंटे और माइनिंग करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरे फोन के बैटरी ने धोखा दे दिया। तो कुछ और देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे लौटना पड़ा। अभी गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमने कितना माइनिंग किया है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग कोऑर्डिनेट्स पे नजर रखना, इस साइड का जो माइनिंग है फिर भी थोड़ा छोटा है, लेकिन मेन जो हमने स्ट्रेट में माइनिंग किया था जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो गोल्ड ब्लॉक मिले थे वो लिटरली काफी बड़ा है। आज तक गाइस मुझे डायमंड को ढूंढने के लिए इतना माइनिंग तो कभी भी नहीं करना पड़ा था एंड डायमंड गोल्ड तो छोड़ो, यहाँ पे मुझे माइनिंग करते हुए केव भी नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं 651 कोऑर्डिनेट पे माइनिंग को स्टार्ट किया था। अभी गाइस आप लोग देखो ये एंड कहाँ पे होता है। तो फाइनली गाइस हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमने 468 तक माइन किया है। तो जो भी हो गाइस ये सारी चीजें करने के बाद हमें दो डायमंड्स मिल चुके हैं। दो डायमंड से तो यार एक पिकेक्स भी नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर में गाइस हम लोग और ज्यादा माइनिंग करेंगे एंड डेफिनेटली गाइस हमारे पास भी पूरा एक चेस्ट भर के डायमंड होगा। आई नो कि गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, जो भी हो गाइस आज के लिए बस इतना ही माइनिंग रखते हैं एंड अभी यार हमने यहाँ से काफी ज्यादा रेडस्टोन को कलेक्ट कर लिया है, तो प्रोबेबली गाइस कल हम लोग कुछ ऑटोमेटिक फार्म्स को बना सकते हैं एंड इसी के साथ गाइस हमें अपना घर भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल गाइस हम लोग विलेज के घर में रहते हैं जो कि देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली गाइस हमें अपना घर भी बनाना पड़ेगा। अभी गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट में कुछ सजेशंस दो कि यार इस सीरीज में हमें और क्या क्या चीजें करनी चाहिए एंड अगेन से गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ भी गलती लगे तो भी यार मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना ताकि यार मैं नेक्स्ट एपिसोड से इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। अभी गाइस फाइनली वीडियो पसंद है तो वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी यार एपिसोड 2 को भी अपने सारे दोस्तों के साथ ऑब्वियसली शेयर कर दो, काफी मेहनत लगती है बनाने के लिए, तो यार प्लीज से शेयर कर दिया करो एंड डेफिनेटली चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।